नमस्कार स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में लेसन को आगे बढ़ाते हैं सिक्स्थ और सेवन्थ पेज के साथ डायनेमिक लेसन को। ही इज सो डर्टी, सी मर्मर्ड इन डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस निराशा, वह निराशा से बुड़बुड़ाई, वह कितना गंदा है। यस ही हैड बेटर बी वॉश्ड। सदाव एग्रीड, सदाव सहमत हुआ, हाँ अच्छा होता उसको समुद्र में बहा दिया जाता। आई कैन नॉट बी ए फॉर यू टू टच हिम। पहले यहाँ से, इफ़ यू विल फेस हॉट वाटर आई विल वॉश हिम। फेच मीन जाकर लाना और ब्रिंग मीन होता है लाना, ये दोनों में डिफरेंस है। यदि तुम जाकर गर्म पानी ले आओ तो मैं इसको धो दूंगा। आई कांट कैन नॉट बी ए फॉर यू टू टच हिम, सी सैड। वह कहने लगी, मैं सहन नहीं कर सकती, तुम इसको स्पर्श करो। वी शैल हैव टू टेल द सर्वेंट्स ही इज हियर। हमें सभी नौकरों को बताना होगा कि वह यहाँ है। आई विल टेल यूमी नाउ, मैं अब यूमी को बताऊँगी। सी कैन लिव द चिल्ड्रन फॉर ए फ्यू मिनट्स एंड सी कैन वॉश हिम। मैं अब यूमी को बताऊँगी, वह कुछ मिनट के लिए बच्चों को छोड़ सकती है और उसे धो सकती है। सदाव कंसिडर्ड ए मोमेंट। सदाव ने एक पल के लिए सोचा। लेट इट बी सो, ही एग्रीड, वह सहमत हुआ, ऐसा ही हो। यू टेल यूमी, तुम यूमी को बताओ। एंड आई विल टेल दादा, और मैं दूसरों को बताऊंगा। बट द अटर पालर ऑफ द मैंस अनकॉन्शियस फेस मोड हिम फर्स्ट टू स्टूप एंड फील हिज पल्स। स्टूप मीन झुकना, पल्स मीन नाड़ी नबज, अनकॉन्शियस बेहोश। परंतु उस आदमी के बेहोश चेहरे की गंभीर पीलापन ने उसको झुकने के लिए द्रवित कर दिया और वह उसकी नाड़ी को टटोलने लगा। इट वॉज फेंट, नाड़ी धीमी थी। बट इट वॉज देयर, लेकिन अभी चल रही थी, नबज अभी चल रही थी। ही पुट हिज हैंड अगेंस्ट द मैंस कोल्ड ब्रेस्ट, ब्रेस्ट मीन छाती। उसने अपना हाथ उस आदमी की ठंडी छाती पर रखा। द हार्ट टू वॉज येट अलिव, हृदय भी अभी जिंदा था, धड़कन भी धीमी थी। ही विल डाई अनलेस ही इज ऑपरेटेड ऑन, सदाव सैड कंसिडरिंग, सोचते हुए सदाव ने कहा कि यदि उसका ऑपरेशन नहीं किया गया वह मर जाएगा। द क्वेश्चन इज वेदर ही विल नॉट डाई एनीवे, प्रश्न यह है क्या वह नहीं मरेगा। हैना क्राइड आउट इन फियर, है ना डर के मारे चीखने लगी। डोंट ट्राई टू सेव हिम, उसको बचाने की कोशिश मत करना। वाट इफ ही शुड लिव, क्या होगा यदि उसे जीवित, यदि वह जीवित हो जाए तो क्या होगा। आगे स्टडी करते हैं। वाट इफ ही शुड डाई, सदाव रिप्लाइड, सदाव ने उत्तर दिया, और यदि वह मर जाए तो फिर क्या होगा। ही स्टूड गेजिंग डाउन ऑन द मोशनलेस मैन, मोशनलेस गतिहीन, गेजिंग देखना, वह खड़ा खड़ा उस गतिहीन आदमी को झुककर देखता रहा। दिस मैन मस्ट हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विटेलिटी और ही वुड हैव बीन डेड बाई नाउ। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असाधारण विटेलिटी, शक्ति, इस आदमी के पास अवश्य ही कोई असाधारण शक्ति होगी, नहीं तो यह अब तक मर चुका होता। बट देन ही वॉज वेरी यंग, लेकिन अभी यह बहुत जवान था। परहैप्स नॉट येट 25, शायद 25 वर्ष का भी नहीं। यू मीन डाई फ्रॉम द ऑपरेशन, तुम्हारा कहने का अर्थ क्या ऑपरेशन से मर जाएगा, हैना आस्ट, हैना ने पूछा। यस सदाव सेड, हाँ सदाव ने कहा, अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो वह मर जाएगा। हैना कंसिडर्ड दिस डाउटफुली, डाउटफुली शकपूर्वक, हैना
कुछ संदेह पूर्वक सोचती रही एंड वहन सी डिड नॉट आंसर सदाव टर्न्ड अवे, और जब उसने उत्तर नहीं दिया तो सदाव मुड़ गया। एट एनी रेट समथिंग मस्ट बी डन विद हिम ही सैड एंड फर्स्ट ही मस्ट बी वास्ट, किसी भी कीमत पर इसके साथ कुछ किया जाना चाहिए, अवश्य ही किया जाना चाहिए, वह कहने लगा, और पहले उसको साफ किया जाना चाहिए, धोना चाहिए। ही वेंट क्विकली आउट ऑफ द रूम, वह जल्दी से कमरे से बाहर गया। एंड आना केम बिहाइंड हिम, और आना उसके पीछे पीछे आई। सी डिड नॉट विश टू बी लेफ्ट अलोन विद द वाइट मैन, वह गोरे आदमी को अकेला छोड़ना नहीं चाहती थी। वॉज द फर्स्ट सी हैड सीन सिंस सी लेफ्ट अमेरिका, अमेरिका आने के बाद वह पहला आदमी था जिससे वह मिली थी। पहला आदमी था का मतलब पहला अमेरिका था, अमेरिकी था, अमेरिकावासी था। एंड नाउ ही सीम्ड टू हैव नथिंग टू डू विद दोज हुम सी हैड नोन देयर, और अब वह उन लोगों के साथ कुछ नहीं करना चाहते थे जिनको वह वहाँ जानती थी। हेयर ही वाज हर एनिमी, यहाँ वह उसका दुश्मन था। ए मिनेस एक राक्षस था, लिविंग और डेड, जीवित या मृत। ही सी टर्न टू द नर्सरी, वह नर्सरी की ओर मुड़ी। एंड कॉल्ड, और पुकारने लगी, यूमी यूमी आओ। बट द चिल्ड्रन हियर्ड हर वॉइस, लेकिन बच्चों ने उसकी आवाज़ को सुना। एंड सी हैड टू गो इन फॉर ए मोमेंट, और एक पल के लिए उसे अंदर जाना पड़ा। एंड स्माइल एट दैम, और उनकी ओर मुस्कुराना पड़ा। एंड प्ले विद द बेबी बॉय, और शिशु लड़के के साथ खेलना पड़ा। नाउ नियरली 3 months ओल्ड, जो अब लगभग 3 महीने का था, शिशु लड़का 3 महीने का था। ओवर द बेबीज सॉफ्ट ब्लैक हेयर, सी मोशन्ड विद हर माउथ, यू मी कम विद मी। बच्चे के कोमल काले बालों के ऊपर से उसने अपने मुख के इशारे से कहा, यू मी कम विद मी, मेरे साथ आओ। आई विल पुट द बेबी टू बेड, यू मी रिप्लाइड, यू मी ने उत्तर दिया, मैं बच्चे को बिस्तर पर लिटा दूंगी। सी इज रेडी, वह तैयार है। She went with Yumi into the bedroom next to the nursery and stood with the boy in her arms while Yumi spread the sleeping quilts on the floor and laid the baby between them. वह नर्सरी से आगे शयनकक्ष में यूमी के साथ गई और अपनी बाजुओं में लड़के को लेकर खड़ी रही, जबकि यूमी फर्श पर सोने वाली रजाइयाँ फैला रही थी, और उन रजाइयों के बीच उसने बच्चे को लेटा दिया। देन हैना लेड द वे क्विकली एंड सॉफ्टली टू द किचन, फिर हैना आगे आगे जल्दी से अपना रास्ता अपनाया और कोमलता से रसोई में चली गई। द टू सर्वेंट्स वर फ्राइटेंड एट वट देयर मास्टर हैड जस्ट टोल्ड देम, दो नौकर डरे हुए थे जो उस बात पर जो उनके मालिक ने उनको वो बताया था। द ओल्ड गार्डनर, बूढ़ा माली, हु वाज आल्सो ए हाउस सर्वेंट, जो घर का नौकर भी था, पुल्ड द फ्यू हेयर्स ऑन हिज अपर लिप, उसने अपने ऊपर वाले होठ पर कुछ बाल खींचे नोचे। द मास्टर ओट नॉट टू हील द वाउंड ऑफ दिस वाइट मैन, ही सेड ब्लंटली टू हैना, उसने कठोर स्वर में हैना को कहा कि मालिक ने इस गोरे आदमी के घाव को ठीक नहीं किया, नहीं करना चाहिए। टू हील का मतलब स्वस्थ करना, वाउंड घाव जख्म, द वाइट मैन ऑट टू डाई, गोरे आदमी को मरने देना चाहिए। फर्स्ट ही वाज शॉट, पहले तो उसको गोली लगी। देन द सी कॉट हिम, फिर समुद्र ने उसको पकड़ लिया। एंड वाउंडेड हिम विद हर रॉक्स, और चट्टानों से उसको घायल किया। इफ द मास्टर हील्स, यदि मालिक उसको ठीक कर देता है। व्हाट द गन डिड, जो घाव बंदूक ने दिया। एंड व्हाट द सी डिड, और जो समुद्र ने उसके साथ किया, तो क्या होगा। दे विल टेक रिवेंज ऑन अस, टेक रिवेंज, बदला लेना, तो वे हमसे बदला लेंगे। आई विल टेल हिम व्हाट यू से, हैना रिप्लाइड कॉर्टियली, कॉर्टियली का मतलब शिष्टता से। हैना ने उत्तर दिया
कि जो तुम कहते हो मैं उनको बता दूंगी। बट शी हरसेल्फ वाज सो फ्राइटेंड, लेकिन वह स्वयं भी फ्राइटेंड, घबराई हुई थी, डरी हुई थी। ऑल्दो शी वाज नॉट सो सुपरस्टिटियस एज द ओल्ड मैन वाज, लेकिन वह इतनी अंधविश्वासी नहीं थी जितना कि बूढ़ा आदमी। सुपरस्टिटियस मीन अंधविश्वासी। डियर स्टूडेंट्स, आज यहीं तक स्टडी करते हैं। आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।